तुमको भी ऐसा लगा था ना? हाँ, किसी के हुलिया देख के उसके औकात का अंदाजा ना ही लगाने। सही बात है, आज पता चल गया क्या भजन गया, मन क्यों सही बात है। मैं आई एम झुल्लुर वायरल बॉय, मेरी पहचान ही इसी होली से, इसलिए मैंने अपने आप को चेंज ही नहीं किया। कि माता जिनको याद करे वो लोग निराले हो। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ प्रेम से बोलो जय माता की, सारे बोलो जय माता की। चलो बुलावा, एक तो बुक करने के बाद ऐसा लगता है खरीद लेते हैं, फोन पर फोन तड़काए रहते हैं। हेलो, आ रहा हूँ। अरे कितना कितना बजे चालू होगा प्रोग्राम? 7 बजे बात कर रहे हैं, 7 बजे तुमको कोई प्रोग्राम देखने आएगा। ना गाड़ी तो नहीं ली है, पैदल आ रहे हैं। अरे तो गाड़ी नहीं है तो क्या करें, इतना बड़ा मनाई नहीं हो गए हैं कि गाड़ी लेके आए। आ रहा हूँ। कैंसिल कर रहे हैं, किसी दूसरे को बोल दिए हैं? अब वही माता जी का जागरण है, वही ठीक नहीं होता है। एक बार मुझे बुक करके 1 महीना पहले से बुक किए हैं, मैं किसी दूसरे प्रोग्राम में चला जाता, कमा लेता। अब थोड़ा क्या 10 मिनट लेट हो रहा है, तुम अभी रात भी नहीं हुई है, पर तुम्हारा प्रोग्राम देखने पता नहीं कौन आएगा। अब दिए फोन ही साला, मेरा तो साला पूरा पानी बट्टा ही खराब हो गया। चलो ठीक है, जाता हूँ मौर्य के फोन लगा लेता हूँ, उनके स्टूडियो में निकल जाता हूँ। हेलो मौर्य, स्टूडियो में है? आ रहा हूँ। हाँ, प्रोग्राम दिए थे, कैंसिल मार दिए मेरा, किसी दूसरे को बुक कर लिए। हाँ आता हूँ। देवी गीत गाना है, ठीक है। चलो आओ, आ जाओ, दरवाजा खुला है। दिक्कत हो गया था, जा रहा था प्रोग्राम में तो बोलने लगे कि मैं दूसरे को बुक कर लिया हूँ, खाली 10 मिनट लेट हुआ था, इतना दिक्कत कर दिए हैं। मैं सोचा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ मौर्य के स्टूडियो में गाना गा लूंगा। अरे तो झुल्लुर दादा, कहाँ है म्यूजिक सिस्टम का घटाइयम लगाया जा रहा था। अरे तो क्या करें, खोपड़िया बड़ा कटा रहे हैं, अभी इधर ले लिए हैं, थोड़ा सेफ्टी है, टांगे हैं, हाथ पूरा खाली है। चलो एक गाना गवाओ मुझे माता जी का। आइए फिर, आइए आइए बैठिए। इधर दिक्कत, एक तो चलते चलते मेरा कमर भी। ये कौन है? ये साथ ही रहते हैं। अच्छा, वीडियो वीडियो बनाते हैं कोई काम पर। चलो ठीक है, लाओ कुछ गा बजा लेते हैं। और कहाँ माइक माइक ये है? अच्छा, अरे तो चश्मा उस्मा उतारी माइक चश्मा क्यों उतार दे, चश्मा से तुमको क्या दिक्कत हो रहा है? दादा गाएंगे ना? हाँ गाएंगे यार, गाएंगे क्या गाएंगे, स्टार्ट कर रहे हैं। हेलो हेलो, वाह
लेकिन ठीक है, हो गया है, हो गया है, अब छेड़ना मत। अच्छा है, एक बार सभी प्रेम से जयकारा लगाएंगे। बोल शेरा वाली दा साचे दरबार की जय। वही गीत है और माता रानी को बुलवाते हैं, सीधा हम आप सभी को लेके चलते हैं। ओ माता रानी का कौन सा धाम है? वैष्णो देवी। सीधा आप सभी को वैष्णो देवी लेके चलते हैं, माता रानी के धाम। कि माता जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं। माता जिनका नाम पुकारे किस्मत वाले होते हैं। तो कहना है चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। हो चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ऊंचे पर्वत पे रानी माँ, ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। और आहा, क्या बात है, माता रानी को याद करते रहिए। और माता रानी को मन में बसा के कहना है कि भावनाओं में भावना हो तो भावना बेकार है, भावनाओं में भावना हो तो भावना बेकार है, और भावनाओं में तनिक भी भाव आ जाए तो भाव से बेड़ा पार है। अर्थात इसका मतलब ये होता है कि भावनाओं में ही भगवान होते हैं। तो कहना क्या है, एक दुखियारी माँ और माँ के पास जाती है मुरादे मांगने, तो वो लाइनें हैं बड़ी प्यारी सी, माता रानी के चरणों में अर्ज किया है। मैं भी तो एक माँ हूँ माता, माँ ही माँ को पहचाने, बेटे का दुख क्या होता है, कौन भलाए क्या जाने। हो उसका खून मैं देखूं कैसे, जिसको दूध पिलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता की। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। और कहना क्या है सुनिएगा। वैष्णो देवी के मंदिर में लोग मुरादे पाते हैं, रोते रोते जाते हैं, हंसते हंसते आते हैं। रोते रोते जाते हैं, हंसते हंसते आते हैं। रोते रोते जाते हैं, हंसते हंसते आते हैं। मैं भी मांग के देखूं जिसने, मैं भी मांग के देखूं जिसने, जो मांगा वो पाया है। चलो बुलावा आ
से बोलो जय माता की, सारे बोलो जय माता की, आगे वाले जय माता की, पीछे वाले जय माता की। चलो कैसा लगा, एक बार जयकारा हो जाए। यार झुल्लू दादा आप तो यार एकदम कमाल ही कर दिए, क्या गाना गाया, मजा आ गया, क्या भक्ति सांग, क्या भजन थी। इसीलिए तो मैं बोल रहा था वो बेवकूफ था, मैं जाता तो जागरण में जाता तो कम से कम कितना लोग चढ़ावा चढ़ाते, लेकिन इनको मेरा फोटो चुटिया ही लोग समझ लेते हैं। दादा आप तो देख के नहीं लगते कि आप इतना मस्त भजन गाएंगे, आज तो मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था कि आप गाएंगे, हम तो समझे कि बस आप आए मेरा मूड डिस्टर्ब करने आ गए हैं। तुमको भी ऐसा लगा था ना, किसी के हुलिया देख के उसके औकात का अंदाजा ना ही लगाने। सही बात है, आज पता चल गया क्या भजन गाया, मन प्रसन्न हो गया। किसी का हुलिया देख के उसकी औकात का अंदाजा भी नहीं लगाने। सही बात है, मैं आई एम झुल्लुर वायरल बॉय। जमा दिए ना, एकदम वो तो मेरी पहचान ही ऐसी है कि मेरी पहचान ही इसी होली से है, इसलिए मैंने अपने आप को चेंज ही नहीं किया, अन्यथा मैं भी हीरो जैसा लगता। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल दादा। अरे कि मैं तो दम है दादा आपकी, है ना, लेकिन ये समझो कि हीरो जैसे लगोगे तो नहीं, कुछ पता नहीं पड़ रही बात। छोड़ो, चलो ठीक है, मेरा गाना बना के कब दोगे? आपका गाना अरे दे देंगे। ठीक है, मैं निकलता हूँ, नहीं तो रात हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, कहाँ जाएंगे आप, रात हो गई, रुक जाइए, निकल जाएंगे घर पे। चलिए ठीक है, आपका गाना जल्दी ही मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, मैं चलता हूँ।